हिंदुस्तान में छोटे शहर हैं, बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट एकदम नया है। हालांकि मेट्रो सिटीज सुविधाओं के लिहाज से काफी आगे हैं, आखिर स्मार्ट सिटीज में ऐसा क्या होगा जो वो हिंदुस्तान के दूसरे शहरों से अलग होंगी, ये जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आखिर कैसी होती है स्मार्ट सिटीज और क्यों मोदी ने देखा है देश के लिए ये स्मार्ट ड्रीम। मोदी सरकार देश में इसी तरह के 100 स्मार्ट सिटीज बनाने की तैयारी में है। स्मार्ट इसलिए क्योंकि ये शहर बेहद आधुनिक होंगे, इनमें लोगों की जरूरत की हर एक चीज मौजूद रहेगी, यानी इन शहरों में मॉडर्न और लग्जरी लाइफ जीने के लिए सारी सुख सुविधाएं होंगी। स्मार्ट सिटी एक ज्यादा एफिशिएंट शहर होगा और ये एफिशिएंसी कोई एक प्रकार की एफिशिएंसी नहीं होती। एफिशिएंसी आप किस प्रकार से एनर्जी मैनेज करते हैं उसकी एफिशिएंसी होती है, किस प्रकार से आपका यातायात मैनेज किया जाता है उसमें एक एफिशिएंसी होती है, किस प्रकार से म्यूनिसिपल सर्विसेज सुअरेज वाटर सप्लाई ये सब मैनेज की जाती हैं, कैसे सप्लाई किया जाता है, इन सब चीज़ों में एक एफिशिएंसी आती है। इन शहरों में वर्ल्ड क्लास स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज होंगी जहां छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सकेगी। कुछ इस तरह के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होंगे जहां लोगों को 24 घंटे इलाज मिल सकेगा। चमचमाते हुए शॉपिंग मॉल्स और मल्टीप्लेक्सेस होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे होंगे जहां से हर वक्त देश और विदेश के लिए उड़ानें मिलेंगी। स्मार्टनेस हर किस्म के फंक्शन में स्मार्टनेस आ सकती है। मेरे को एक एक्सीडेंट मेडिकल एक्सीडेंट होता है घर में और मुझे मेडिकल केयर की ज़रूरत है, मैं ये नहीं पूछता कि मैं कौन से हॉस्पिटल जाऊं, मैं एक स्मार्ट सिटी में मेरा प्रॉब्लम इमीडिएटली पूरे मेडिकल सिस्टम को पता चल जाएगा और वहाँ पर जो शहर को मैनेज कर रहे हैं वो कह सकते हैं कि मुझे जल्द से जल्द मेडिकल केयर मिले। ये है मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट धुलेरा स्मार्ट सिटी। बताया जा रहा है कि देश की पहली स्मार्ट सिटी गुजरात के धुलेरा में बनेगी। धुलेरा अहमदाबाद से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। जानकारी के मुताबिक गुजरात सरकार धुलेरा को पहले इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करेगी और बाद में इसे स्मार्ट सिटी का रूप दे दिया जाएगा। धुलेरा, देखिए मित्रों, गुजरात में हम नए शहर बना रहे हैं। आज जो दिल्ली है, हजारों साल के बाद जो आज दिल्ली बना है, उसकी जो साइज है, ये हमारा जो नया धुलेरा बनेगा उसकी साइज दिल्ली से डबल है। ये हमारा जो धुलेरा बनेगा, आज जो शांघाई है उस शांघाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो धुलेरा बनने वाला है। धुलेरा का कुल क्षेत्रफल 903 स्क्वायर किलोमीटर है। इनमें से 540 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को पूरी तरह से डेवलप किया जाएगा। धुलेरा को स्मार्ट सिटी बनाने का काम 6 चरणों में होगा। पहले चरण में 150 किलोमीटर के इलाके को विकसित किया जाएगा। इस पर इसी साल काम भी शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 2019 तक धुलेरा देश की पहली स्मार्ट सिटी बन जाएगी। स्मार्ट शहरों में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जाएगा जहां रोजगार और कारोबार के लिए भरपूर अवसर होंगे। इतना ही नहीं, इन शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बेहतरीन इंतजाम होंगे। स्मार्ट सिटी में रहने वाले लोग मेट्रो में सफर का लुत्फ उठा सकेंगे। इन शहरों में कई लेन वाली सड़कें और इंटरनेशनल लेवल के एक्सप्रेस वे होंगे जो लोगों के सफर को तेज, आसान और सुविधाजनक बनाएंगे। इन गगनचुंबी इमारतों को भी देख लीजिए। देश में जो 100 स्मार्ट शहर बनने हैं उसमें इसी तरह की इमारतें होंगी। हर इलाके में इस तरह के हरे भरे और खूबसूरत पार्क होंगे। लोगों ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेन भी चलेंगी। संजय शाह और वर्णित गुप्ता के साथ मनीष झा, इंडिया टीवी, दिल्ली। मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर शहरी विकास मंत्रालय का प्लान लगभग तैयार है। शहरी विकास मंत्री मोदी के सामने प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं। आपको बताते हैं आखिर स्मार्ट सिटीज का प्लान क्या है। शहरी विकास मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी बसाने का खाका भी तैयार कर लिया है, बस इंतजार है आम बजट का। सूत्रों के मुताबिक अरुण जेटली के पिटारे से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए खास पैकेज निकल सकता है। शहरी विकास मंत्रालय को बजट से काफी उम्मीदें हैं, इसलिए मोदी के स्मार्ट सिटी बनाने के वादे पर अमल करना शुरू कर दिया। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू स्मार्ट सिटीज की योजना को लेकर राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों की जल्द ही मीटिंग भी करने वाले हैं।
इसके बाद स्मार्ट सिटी प्लान के लिए कैबिनेट का ड्राफ्ट जुलाई के आखिर तक आने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री अरुण जेटली अपने पहले बजट में 100 स्मार्ट सिटी के लिए पैसे का इंतजाम करेंगे। दिल्ली को मॉडर्न सिटी बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी के लिए शहरी विकास मंत्रालय का फोकस शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण और मनोरंजन पर होगा। नई स्मार्ट सिटी के लिए इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, जिसमें मॉडर्न बस सिस्टम, ट्राम, मेट्रो रेल और साइकिल ट्रैक बनाए जाएंगे। इन शहरों की सैटेलाइट मैपिंग की जाएगी, साथ ही कूड़े के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विकसित किया जाएगा। क्यों ना हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने आवश्यकता अनुसार। जितने भी सोशल फैसिलिटी वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं। दूसरे फेज में रिहायश के लिए बनाई जा रही बिल्डिंग का काम भी शुरू होगा। मोदी के इस ड्रीम शहर में बिल्डिंग खड़ी करने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, यानी मूलभूत सुविधाएं। यहां सबसे पहले सड़कों का निर्माण किया गया है, साथ ही पीने के पानी के लिए पूरे शहर में कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए हैं और सीवेज सिस्टम भी पहले ही बना लिया गया है। हम आपको दिखा रहे हैं देश का पहला स्मार्ट शहर। आइए अब आपको दिखाते हैं इस शहर में एक बड़ी टनल कैसे बनाई जा रही है और ये टनल किस काम आएगी। मोदी का ये शहर कभी गंदा नहीं होगा, इसके लिए भी खास तैयारी की गई है। यहाँ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम लगाया गया है। कचरा फेंकने के लिए आपको फ्लैट के बाहर बनी एक खिड़की को खोलना है और उसमें कचरा डाल देना है। घर से निकला हुआ कचरा पाइप और फिर टनल के रास्ते सीधे गार्बेज हाउस में पहुंच जाएगा, जहां प्लाज्मा तकनीक के जरिए, जिसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी DMICDC कहते हैं। दोस्तों इस प्रोजेक्ट का पूरा इम्प्लीमेंटेशन इस ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट इंडिया की कैपिटल दिल्ली से लेके इंडिया की लार्जेस्ट सिटी मुंबई तक चलेगी। इसकी टोटल 1500 किलोमीटर की लेंथ होगी और इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट $100 बिलियन बताया गया है। दोस्तों इस कॉरिडोर में 24 इन्वेस्टमेंट रीजन्स, 8 स्मार्ट सिटीज, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, 2 मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स, 2 पावर प्लांट्स और 2 नए लॉजिस्टिक हब्स भी बनाए जाएंगे। दोस्तों इस प्रोजेक्ट से इंडिया के 6 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी इन्फ्लुएंस होगी और वो है दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। ये सभी स्टेट्स इस प्रोजेक्ट से इन्फ्लुएंस होंगे। जैसे कि आपको पता है दोस्तों इस प्रोजेक्ट का लेंथ 1500 किलोमीटर है और उसमें से गुजरात और महाराष्ट्र, इन दो स्टेट्स में करीब 1100 किलोमीटर का इस प्रोजेक्ट का इन्फ्लुएंस होगा और बाकी के स्टेट्स में सिर्फ 400 किलोमीटर का इन्फ्लुएंस होगा।